तो अभी आप देख सकते हैं जिस आप नमक डाल रहे हैं चावल गोश्त में, जी तो आप देख रहे हैं कि अजी साहब उसको मुसलसल भून रहे हैं जो गोश्त है ना, ताकि जो ओनियन है प्याज है वो उसमें ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो निकल आ जाए। तो आप लोगों ने भी सर ओरिजिनल, और जो इसमें अगर पानी अगर कम हो जाए ना तो उसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल इसमें नहीं डालना है। जो आप देख रहे हैं अजी साहब गर्म पानी से पानी ले रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी जो वॉइस ओवर की वीडियो को कैसी लगी। अगर आप लोगों को पसंद आती है इस तरह की वीडियो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी वीडियो होंगी वो इसी तरह ही रिकॉर्ड करेंगे। तकरीबन 2 घंटे उसको पानी में रेस्ट किया उसको। ये गोश्त बिल्कुल पक चुका है, तकरीबन 2 घंटे से ऊपर का वक्त हुआ इसको, इसी तरह दम पे रखे हुए। अभी ये आपको दिखाएं, ये बिल्कुल पक चुका है ये गोश्त। दिया जी साहब चेक कर रहे हैं कि पक चुका है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, गोश्त जो है वो हड्डियों से बिल्कुल अलहदा हो चुका है। चावल डाल रहे इसकी,
ये भी इसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करें, क्योंकि वो चावल जो है वो साफ़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सही से पानी में जो है ना वो नहीं डप होगा। तो उसमें अभी गर्म पानी डाल रहे, ठंडा पानी आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं डालना इसमें। ये भी आप देख रहे हैं जी साहब, थोड़ा थोड़ा उसमें कट लगा रहे ताकि जो चावल है वो उधर अंदर से सही तरह से पक जाए। थोड़ा थोड़ा कट लगा रहे सारे चावल में से, साइडों में, दरमियान में, सब जगह पे। ये आप देख सकते हैं कट लगा रहे हैं जी साहब दोबारा से। ये जी साहब नमक टेस्ट कर रहे हैं कि नमक इस तरह है, कम है ज़्यादा है। ये जी गाजर है उसकी, फिर उसमें डालेंगे चावल में भी, पक रहे हैं पानी में से, ये सिर्फ पानी में ये उबल रहे, सही शोधा बस सर पिके था। ये फिर उसमें ऐड करेंगे चावल में, ये अच्छी तरह पक जाए तब। ये जी ज़ीरा है, सिर्फ ज़ीरा है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, ना गरम मसाले ना कोई और मसाले, सिर्फ ज़ीरा उसके ऊपर डाल रहे, ऐड कर रहे, सिर्फ ज़ीरा ही ऐड किया, कोई और दूसरा मसाला कोई भी ऐड नहीं किया हुआ, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए। इसको सामने से उठाऊँ, बस अब देख सकते हैं सारी जगह से इसको ऊपर से कवर कर चुका है, ताकि इसमें से जितना मतलब कोई भी उससे हवा ना निकल जाए। तो अभी इंशाल्लाह एक घंटे बाद फिर आपको दिखाएंगे। अभी तकरीबन पूरा एक घंटे के बाद अभी इसको जी साहब खोलेंगे, तो अभी पता चलेगा चावल किस तरह के बने। लीजिए जी, अभी इंतज़ार ख़त्म हो गया, सही शो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी इसको मिक्स करेंगे सारा, जो गोश्त है वो ऊपर आ जाए।
Amazing.